पशुओं की थी और बीच में कई पार्टियां हो करके तोड़ फोड़ करके और गरीबों को जैसे बारिश होता है ना पत्तियां एक तरफ हो जाती है वैसे गरीब लोगों को एक तरफ कर दिया दोनों पार्टियों ने। ये अगर मैं शुरू से बात करूं तो कम से कम घंटा डेढ़ घंटा लगेगा, कड़ी से कड़ी तक मैं बात तो कर सकता हूं पर समय कम है यूँ करके मेरे को कहा है, इसलिए ज़्यादा ना बोल करके। BTP का मतलब क्या है? बी का है भारत, टी का है ट्राइबल और पी का है पार्टी। संविधान बना, देश आजाद हुआ, इससे पहले सन 1947 में देश आजाद हुआ और 3 साल बाद 50 में संविधान बना। भीमराव अम्बेडकर जी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, शेड्यूल कास्ट के। और उन्होंने कानून बनाया संविधान के अंदर, 5वीं सोसी में लिखा है गरीबों के लिए, गरीब आदिवासी गरीब मात्र मतलब शेड्यूल कास्ट के, उसमें लिखा है जमीन जंगल और जल का अधिकार गरीबों का है। संविधान बना 48 साल हो गए, भारत सरकार ने ये कानून दबा रखा 48 साल तक। 1999 में मध्य प्रदेश के दिलीप भुरिया जी थानला जाम्बा के, वो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने, उन्होंने संविधान मंगा करके 5वीं सूची अध्ययन किया, उसमें कानून लिखा हुआ था वो पार्लियामेंट में पास करवाया। पार्लियामेंट में पास करवाने के बाद में हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ऑर्डर करवाया, वो ऑर्डर अपने राजस्थान में आया। 11 साल तक राजस्थान सरकार ने दबा रखा, 2011 में लागू हुआ। राज्य पैसा कानून, उसमें गरीबों के लिए बहुत लिखा हुआ लेकिन आज तक नहीं। इसमें मान लो कि प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम गुगरा जी, भंवरलाल परमार जी और अन्य कार्यकर्ताओं ने मिल करके झारखंड गए, उत्तराखंड गए, मध्य प्रदेश गए और जा करके उधर का जायजा लिया और यहाँ आकर के फिर अपने 84 इलाका में रोहत साहब, MLA साहब रोहत साहब और डेंडोर साहब ने अलग जगाई, तो उधर मतलब यही सभी गरीबों ने और आदिवासियों ने सोचा कि BTP पार्टी है उसमें वोट दो और ये जीतेंगे तो अपना काम होगा। उन्होंने जयपुर जा कर के विधानसभा के अंदर अलग जगाई, बहुत से MLA कहने लगे अरे भाई तुम्हें तो ज़्यादा बोलो हो, थोड़ा कम बोलो। अरे भाई कानून के लिए बोलने के लिए सबका हक है। आज उन्होंने वहाँ जगाया और इसके बाद में सब ने देखा और यहाँ आकर के बात हुई, तो उनकी मेहरबानी से आज अपने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और संगठन मजबूत चाहिए और कार्यकर्ता काम नहीं होता। काम क्यों नहीं होता? काम तो आता था लेकिन क्या था कि जिनके पास जा कर के बोलते इतना पैसा मेरे को दे दे तेरा काम होगा, ऐसा लालचखोरी थे इसलिए अपन को काम नहीं मिलता था। अब आदमी ईमानदार हैं और काम होगा। वो ज़्यादा न कह करके मैं अपना स्थान